तो शर्मनाक चीज़ है कि लाशें तक अपने लवाकिनों को नहीं देते हैं। मैं सिर्फ इतना बता दूं जो एलजी साहब की एडमिनिस्ट्रेशन है कि लाशें लवाकिनों का हक बनता है, थोड़ा बल बोल दिया सर, ये उनका हक बनता है कि वो लाशें लें, अपने उनकी जो आखिरी रस्म है वो पूरी करें। एक माँ हो सकता है रोना चाहती हो, एक वाइफ हो सकता है रोना चाहती हो, एक भाई रोना चाहता है, ये तो हर घर में होता है, लोग तो मरते हैं। और इन बेगुनाहों को अब तो ये लग रहा है जो गवर्नमेंट का जो बिहेवियर है, ये मैं आपको कह दूं कि मेरे मुझे पुख्ता यकीन है कि ये इसमें दाल में कुछ काला है। अगर सरकार को डर नहीं है कोई तो किसी न्यूट्रल इंस्टीट्यूशन को लाए, एक एडीसी को आप खड़ा कर देते हैं, वो क्या इंक्वायर करेगा, उसकी क्या हिम्मत है कि वो सरकार के मैंडेट के बाहर जाए। लेकिन हमारा ये है कि लाशें वापस दें, ये हंदवाड़ा से निकाल कर, ये हक बनता है लवाकिनों का कि वो कहाँ इन डेड बॉडीज को दफन करना चाहते हैं। ग्रीविंग, रोना, ये भी एक लक्जरी बन गई है कश्मीर में, सरकार को सोचना चाहिए। मैं अपील करता हूँ प्राइम मिनिस्टर साहब से, जो मरे उनके भी प्राइम मिनिस्टर आप थे, जिन्होंने मारा उनके भी प्राइम मिनिस्टर आप, और ये छोटी बच्चियाँ अपने बाप के लिए रो रही हैं, उनकी लाशें मांग रही हैं, उनके भी प्राइम मिनिस्टर आप, अल्लाह का वास्ता आप प्राइम मिनिस्टर बनकर उनका हक उन्हें दे दें। थैंक यू।